पेट साफ रखने के घरेलू उपाय क्या हैं? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपके पेट से संबंधी रोग के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज 132 करोड़ जनसंख्या वाले देश में हर मनुष्य किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है। किसी का लिवर खराब है, तो किसी को ब्लड शुगर है, तो किसी को ब्लड प्रेशर है, तो किसी मनुष्य को हार्ट प्रॉब्लम है, तो किसी मनुष्य को कैंसर जैसी घातक बीमारी है। यह सब बीमारी मुख्य रूप से पेट से संबंधी है। आज मनुष्य की रोग की शुरुआत पेट से होती है। आज जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पेट में ना पचकर पेट में ही सड़ता रहता है, जिससे हमें कई जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमें भोजन कब, किस समय और भोजन में क्या खाना चाहिए, इस बात पर बहुत ही जोर दिया गया है। आप लोग जो रोजाना भोजन खाते हैं वह पेट भरने के लिए नहीं अपितु भोजन का आपके शरीर में कई पोषक तत्वों का विकास करना है और शरीर में होने वाले रोगों से बचाना है। हम जो भोजन सेवन करते हैं वह हमारे पेट में जाकर सड़ता है और मल के साथ बाहर आता है। पेट में सड़े हुए भोजन हमें हर रोज कई सारी बीमारियां हो जाती है। हर भोजन का पाचन होना आवश्यक है। अगर आपके पेट में भोजन पचेगा नहीं तो वह भोजन पेट में सड़ता रहेगा और आपके भोजन पचने से ही शक्त धातु का निर्माण होता है और शक्त धातु बनने से आपका शरीर स्वस्थ और सुडौल बनता है। आज दुनिया में हर चीज में मिलावट है, जिससे आपको पेट में गैस, पेट में दर्द, पेट में असह, मोटापा, अपच, पेट में जलन आदि रोग हो जाते हैं। जिसके पेट में यह रोग हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस मनुष्य का पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है। आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक से पाचन नहीं हो रहा है और लगातार ऐसा ही चलता रहता है तो आपके पाचन तंत्र में बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर का सारा कनेक्शन हमारे पेट से जुड़ा होता है। हमारा पेट हमेशा के लिए ऐसे ही ढंग से काम करता रहे, इसके लिए हमें हर रोज अपने पेट सफाई करते रहना चाहिए। आज मैं आपको त्रिफला चूर्ण के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको त्रिफला चूर्ण 40 दिन तक नियमित रूप से सेवन करना है। त्रिफला चूर्ण आपके पेट संबंधी रोगों में रामबाण औषधि है। त्रिफला चूर्ण का असर आपको पहले ही दिन मिलना शुरू हो जाएगा और पहले ही दिन के इस्तेमाल से आप अपने पेट के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोग पेट साफ करने के लिए रात के समय त्रिफला चूर्ण का उपयोग करते हैं, लेकिन रात के समय हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता। त्रिफला चूर्ण का उपयोग आप लोग सुबह के समय खाली पेट सेवन करें, क्योंकि खाली पेट त्रिफला चूर्ण का उपयोग ज्यादा असरदायक सिद्ध होता है। सुबह सूर्य उदय होने पहले सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच आप लोग 1 से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करें। सर्दी में गुनगुने पानी के साथ और गर्मी में सामान्य पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का उपयोग करें। त्रिफला चूर्ण लेने के बाद आप लोग सो भी सकते हैं, पर 2-3 घंटे बाद आप खुद ही उठ जाएंगे। फिर आप लोग फ्रेश होने जाए, फिर फ्रेश होने के बाद आपको 2 गिलास पानी और पीना है। फिर आपको वापस प्रेशर आएगा और आपका मल पतलाया दस्त की तरह निकलेगा। फिर वापस आपको 2 गिलास पानी पीना है, फिर प्रेशर आएगा और अब आपका सिर्फ पानी बाहर निकलेगा एवं आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसके बाद आप भोजन का सेवन कर सकते हैं। भोजन में आपको सिर्फ मूंग की खिचड़ी ही खानी है और मूंग की खिचड़ी में घी का सेवन करें, ताकि आपकी आंतों में चिकनाहट आ जाए और मल आपके पेट में न ठहरे। जिनका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर है वह लोग घी का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों पहले आपको त्रिफला चूर्ण का टेस्ट अजीब सा लगेगा और शुरुआत में आपको त्रिफला चूर्ण का सेवन 1 चम्मच से शुरू करना है। शुरू में त्रिफला चूर्ण से किसी मनुष्य का जीव खराब हो सकता है, पर घबराएं नहीं, धीरे धीरे आपको त्रिफला चूर्ण लेने की आदत पड़ जाएगी। हमें अपने पेट को साफ करने के लिए इतना सब कुछ करना ही होगा। त्रिफला चूर्ण का उपयोग आपको 40 दिन तक लगातार करना है। फिर आगे आपको 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन, फिर 2 दिन छोड़कर, फिर 3 दिन छोड़कर, फिर 4 छोड़कर, फिर 5 दिन छोड़कर, फिर आगे इस हिसाब से बढ़ाते रहना है जब तक 15 दिन में एक बार ना हो जाए। 40 दिन में आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा और सबसे बड़ा फायदा शक्त धातु, रस, मांस, मेद, हड्डी और वीर्य अच्छे तरीके बनने लगेंगे। आपका शरीर पहले जैसे जवान और आपका पेट हल्का लगने लगेगा। पेशाब में जलन, सूजन, रंग साफ हो जाएगा। बालों के झड़ना रोक जाएगा। कब्ज, एसिडिटी, जलन सब ठीक हो जाएगा। त्रिफला चूर्ण मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक क्लिक करें। हमारी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन दबाना भी मत भूलना। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक पर जाकर लाइक जरूर करना।